सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्पीड स्टडी चैनल। एंड द पर्सन हु इज न्यू, वेट फ्यू मिनट्स एंड इफ लाइक देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू प्रेस द बेल आइकन देन द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज सेंड टू यू बिफोर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुकिएगा, वीडियो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जो हम मैराथन क्लास चलाते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी, इसलिए आपको उसकी जानकारी पहले मिल जाएगी। दोस्तों, तो चलिए, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हिच इज यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड ऑट टू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शुड, मस्ट, ऑट टू। जी हां दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ ऑट टू। जी हां दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों वो है शुड, मस्ट, ऑट टू। एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद लिखिए। वंस एवरी स्टूडेंट्स कम ऑन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट जय हिंद। वंस एवरी स्टूडेंट कम ऑन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट जय हिंद। दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और जय हिंद कमेंट करिए। तो सुनिए दोस्तों, एक बार शेयर करिए, आप सब एक बार शेयर करिए। जिंदगी की हर एक कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर एक कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी, हम न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाओगे, पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाओगे, अगर चलते रहे तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। दोस्तों, तो रुकना नहीं है दोस्तों, रुकना नहीं है, पढ़ाई जारी रखनी है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन लेना है दोस्तों। चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो दोस्तों, चारों क्लासेस के लिए, क्योंकि आप याद रखिएगा कि 12th के जस्ट बाद आपको एयरफोर्स का ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप क्लास 9th से अगर लग गए हैं तो और अच्छा है, क्लास 10th में लगे हैं तब भी और अच्छा है, क्लास 11th में लगे हैं तब भी और अच्छा है, और क्लास 12th में लग गए दोस्तों तब भी और अच्छा है। मतलब आप चाहे जिस क्लास में हो दोस्तों, 9 से लेकर के 12 तक, वैसे मैं कहूंगा कि क्लास 10th से 12th तक अगर आप रहें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इंग्लिश की क्लास तो चाहे जिस क्लास में आप रहे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली क्लास और आरकेवाई वाली सर की क्लास जो चल रही है सर शाम को 8 बजे दोस्तों, ये दोनों क्लास आप कभी मिस मत कीजिएगा। मैं गारंटी करता हूं इंग्लिश में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम मजा आएगा दोस्तों, लगाव बन जाएगा इंग्लिश से, एकदम प्रेम करने लगेंगे आप। तो मैंने फिर से, मैं जो बोला शायद कुछ बच्चे सुन नहीं पाए, कह रहे सर एक बार फिर से सुनिएगा। जिंदगी की हर एक कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर एक कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी, हम न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाओगे, पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाओगे, और अगर चलते रहे तो ये जमी भी हम सफर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है शुड, मस्ट, ऑट टू। सबसे पहली बात आप सब लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप सब लोग ऐसे लिख लीजिए, मैंने कहा नोट्स आप हमारे साथ बनाते चलिए, ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि चाहे आपको सुर मिल जाए, चाहे आपको मस्ट मिल जाए, चाहे आपको आर्ट टू मिल जाए, चाहे आपको बिल मिल जाए, चाहे आपको सैल मिल जाए, इसके सब के साथ दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने कहा कि जो चीज मैं एक एक लाइन आपको लिखाता हूं, और अगर कोई बच्चा मेरी क्लास शुरू से देख रहा होगा दोस्तों, तो गारंटी करता हूं कि इंग्लिश, उसको इंग्लिश से प्रेम हो जाएगा, एक जुड़ाव हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, वो बिना मेरी क्लास देखे रह नहीं सकता दोस्तों।
तो इसीलिए जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, धीरे धीरे करके पिछला वीडियो देखते रहिए और लाइव सेशन में जुड़े रहिए। तो लाइव सेशन में जब आप जुड़े रहेंगे तो हमारा और आपका अट्रैक्शन होगा दोस्तों, जैसे कि कुछ बच्चों का हमारे हमसे लगाव हो गया है, जैसे विशाल हो गए हमारे बहुत अच्छे जो है स्टूडेंट हैं, मानस अवस्थी हो गए हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, किशन हो गए हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे नितिन राठौर हो गए वो भी मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसी तरह पवन हो गए वो भी हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है। तो दोस्तों आप लोग लगे रहिए। एक भाई बंधु है अभी दो या तीन दिन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो मैंने कहा कि जितने भी बच्चे हैं दोस्तों आप हमारे साथ लगे रहिए, कमेंट करते रहिए, मैं आपका कमेंट देखता हूं दोस्तों। जो बच्चे डेली आते हैं उन्हीं का नाम इसलिए मैं लेता हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए आप अगर डेली आएंगे तभी मैं आपका नाम लूंगा, नहीं तो आपका नाम नहीं लूंगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों डेली आइए, आप पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा। नील प्रताप है मेरे फेवरेट स्टूडेंट में, नील प्रताप भी एक शामिल है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं तो आयुष भी हमारे फेवरेट स्टूडेंट में है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें तो अनुज हमारे फेवरेट स्टूडेंट में है दोस्तों। विशाल ही है, मैंने बताया ही दोस्तों, अजय हैं, बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों, कपिल हैं, नितिन हैं, तो मैंने कहा दोस्तों नितेश हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे फेवरेट स्टूडेंट में है दोस्तों। तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। मैं देखता हूं दोस्तों फेसबुक पर किसी का शेयर रहता ही नहीं, तो आप लोग फेसबुक पर भी शेयर किया कीजिए, अपने सर के लिए कुछ तो करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शुड मस्ट ऑट टू। देखिए चाहे कहीं शुड का प्रयोग हो, चाहे कहीं मस्ट का प्रयोग हो, चाहे कहीं ऑट टू का प्रयोग हो, इसके साथ दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एरर में देते क्या हैं, जब एरर करते हैं दोस्तों तो इसी के साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, या फिर कुछ और प्रयोग कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि अगर सामान्य अवस्था है, ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, पहले समझ लीजिए, सामान्य अवस्था में दोस्तों शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, कोई दोस्तों धार्मिक, या जैसे कोई धार्मिक बात हो गई, या कोई नैतिकता हो गई दोस्तों, कोई धार्मिक बात हो गई या फिर दोस्तों नैतिकता हो गई, तो वहां पर दोस्तों ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, नैतिकता हो गई, जैसे तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तुम्हें अपने टीचर को प्रणाम करना चाहिए, तो ये सब दोस्तों नैतिकता है, तुम्हें भगवान के सामने सिर झुकाना चाहिए, तो ये सब धार्मिकता में आ गया। तो वही चीज है दोस्तों, लेकिन अगर वहीं अनिवार्यता की बात की जाए दोस्तों, अगर वहीं अनिवार्यता की बात की जाए तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग का मतलब क्या हुआ, अनिवार्यता का मतलब क्या हुआ, तुम्हें यह पुस्तक जरूर खरीदनी चाहिए, तुम्हें बाजार जरूर जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए और तुम्हें एयरफोर्स में सिलेक्शन जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों जब जरूर लग जाए, आवश्यकता मतलब क्या है दोस्तों, अनिवार्यता, कोई चीज अनिवार्य कर दी जाए दोस्तों, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं, सुनिएगा, तुम्हें एक पेन खरीदनी चाहिए, ठीक, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। फिर दोस्तों इसको नहीं दिखेगा, चलिए ठीक है, पहले ये दो कर लेते हैं दोस्तों, तुम्हें एक पेन खरीदनी चाहिए, सिर्फ इतना ही कहा गया दोस्तों, तुम्हें एक पेन खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है, यू माने तुम्हें, और देखिए क्या इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि कोई नैतिक बात कही गई है या कोई धार्मिक बात कही गई है, तो ऐसा कुछ मुझे तो दिख नहीं रहा दोस्तों। क्या इसमें कोई अनिवार्यता दिख रही है, नहीं दिख रहा, अर्थात जब कुछ भी ना दिखे दोस्तों और अंत में चाहिए हो, का क्या हो दोस्तों, पहचानेंगे कैसे, अंत में आपको चाहिए मिल जाए दोस्तों, अंत में चाहिए मिल जाए, तो जान लीजिएगा कि इन तीन में से कोई एक का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब इन तीन में किसका प्रयोग करेंगे, हमने बताया दोस्तों सामान्य अवस्था रहेगी तो शुड का, धार्मिक अवस्था या नैतिकता रहेगी तो ऑट टू का, वही अगर अनिवार्यता रहेगी तो मस्ट का।
तो देख रहा हूं दोस्तों यहां पर ना तो अनिवार्यता दिख रही है, ना तो नैतिकता दिख रही है, ना तो धार्मिकता दिख रही है, मतलब सिंपल है। और सिंपल है दोस्तों तो यू शुड बाई ए पेन, तुम्हें एक पेन खरीदनी चाहिए, यू शुड बाई ए पेन। तो देख रहा हूं दोस्तों अभी का कमेंट आ रहा है, दोस्तों हमारे फेवरेट स्टूडेंट में अभी भी हैं जो ये पबजी लवर लिखा हुआ है, तो ये अभी जी हैं। मैं अभी जी से कहूंगा कि आप ये नाम अपना चेंज कर लीजिए क्योंकि अब तो पबजी बैन हो गया है। तो दोस्तों देखिए, यू शुड बाई ए पेन, तुम्हें एक पेन खरीदनी चाहिए, तो वही चीज दोस्तों सिंपल है। एरर कहां पर देंगे पता है, यू शुड बॉट, यू शुड बॉट ए पेन, तुम्हें एक पेन खरीदनी चाहिए। तो कुछ बच्चे इसका जब निकालेंगे तो यू शुड माने तुम्हें चाहिए, बॉट माने खरीदना, ए पेन मतलब एक पेन, तुम्हें एक पेन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों एरर यहीं पर है, अर्थात शुड, मस्ट, ought to, will, shall, may, might, इनके सबके साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात दोस्तों यहां पर बॉट ना होकर के क्या होगा, बाई होगा। जैसे आगे लिखा है, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, अर्थात ये नैतिकता बताया जा रहा है कि अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, अर्थात यू माने तुम्हें। अब देख रहे हैं दोस्तों नैतिकता या धार्मिकता अगर मिल जाएगी तो आर्ट टू का प्रयोग करेंगे, अर्थात यू आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि यहां पे सर जी योर का प्रयोग काहे किए जबकि यहां अपना है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो रहेगा सब्जेक्ट में आपका उसी के सेंस में अपना की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे अगर रहेगा मैं, तो मैं का मतलब आई और मैं के साथ अपने की अंग्रेजी माई होगी दोस्तों। वही यू, यू माने तुम और तुम्हारे साथ अपने की अंग्रेजी योर होगी, योर माने अपना। फिर वही अगर दे, तो दे के साथ जो है अपने की अंग्रेजी दोस्तों डियर होती है। तीन चीज हमने बताया, ही की अंग्रेजी, देखिए ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज, आई के लिए अपने की अंग्रेजी माई, लिखना चाहिए दोस्तों कहीं लिख लीजिए ऊपर, और वहीं यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर, और दोस्तों दे के लिए अपने की अंग्रेजी डियर। चार चीज हमने बताया, ही के लिए हिज, आई के लिए माई, यू के लिए योर और दे के लिए डियर, चार। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक दो वर्ड और देखते हैं हम। जैसे जैसे दोस्तों तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए दोस्तों, तो अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए नॉर्मल लिखा हुआ है, इसमें कुछ ना तो नैतिकता दिख रही है, ना तो अनिवार्यता दिख रही है, ना तो धार्मिकता दिख रही है, केवल यही कहा है तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें एक बुक लिखना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर ना कोई अनिवार्यता दिख रही है, ना कोई धार्मिकता दिख रही है, ना कोई नैतिकता दिख रही है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों नॉर्मली शुड का प्रयोग कर देंगे बस। जैसे यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, डू माने करना, दिस वर्क यह कार्य, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, नॉर्मल ले लो चलो, तुम्हें खेलना चाहिए, तो यू माने तुम्हें, सुर माने चाहिए और प्ले माने खेलना, यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। तो ये सब चीज है दोस्तों। जैसे अनिवार्यता पर हम एक दो वाक्य लिख लेते हैं दोस्तों, अनिवार्यता पर हम एक दो वाक्य लिख लेते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हें यह पुस्तक, तुम्हें यह पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए, तुम्हें यह पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए तुम्हें यह पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए, यानी कि यू माने तुम्हें और चाहिए दोस्तों, अर्थात अब हमने बताया कि चाहिए के लिए शुड का भी प्रयोग हो सकता है, ऑट टू का प्रयोग भी हो सकता है, मस्ट का भी प्रयोग हो सकता है दोस्तों, लेकिन अब यहां पर देखिए अवश्य चाहिए,
दो चीज है, अवश्य चाहिए दोस्तों। अवश्य चाहिए का मतलब क्या हुआ कि जोर दे दे रहा है, अनिवार्य कर दे रहा है कि अनिवार्य है, खरीदनी ही चाहिए। तो अर्थात दोस्तों यू मस्ट, और खरीदना यानी कि बाई दिस बुक, यू मस्ट बाई दिस बुक, तुम्हें यह किताब अवश्य खरीदनी चाहिए। जैसे दोस्तों अगर मैं कह दूं, देख रहा हूं कमेंट आप सबका, चंदन, किशन, सोनू, विशाल, शेखर, मानस, आकृति, सुभाष, नील प्रताप, रौनक, अनुज, जय हिंद लिखिए एक बार दोस्तों और शेयर करिए, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। हमने कहा दोस्तों कि सिर्फ आ चुकी आपका एनडीए का पेपर है, इसीलिए कुछ बच्चे एग्जाम देने गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आप अपनी संख्या मेंटेन करिए। जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों सब एग्जाम, एएफ कैट का एग्जाम 2 से 3 अक्टूबर में होगा, उसी के बाद दोस्तों अक्टूबर में ही आपका एयरफोर्स का एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्तों आपका एनटीपीसी का एग्जाम भी डेट आ गई, देखिए कल जो है 15 दिसंबर एक्सपेक्टेड डेट दिखाया गया दोस्तों, सीजीएल का है वो, सीएचएसएल का दोस्तों है ही है एक्सपेक्टेड डेट, वहीं दोस्तों स्टेनोग्राफर का ये है एक्सपेक्टेड डेट। तो दोस्तों आखिर इंग्लिश दोस्तों आप चाहे जिसका एग्जाम दे दोस्तों, अगर इंग्लिश आती है तो आपको यहां से मिलेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। और इंग्लिश में अगर आप कमजोर हैं, इंग्लिश में अगर आप कमजोर हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, इंग्लिश आपको एकदम रट जाएगी दोस्तों, एकदम रट जाएगी, कहीं दिक्कतें नहीं पड़ेगी। तो आगे चलिए दोस्तों, किसी को कहीं दिक्कत है इसमें, किसी को कहीं दिक्कत है दोस्तों, अगर अवश्य और चाहिए मिल जाएगा दोस्तों तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं और ये सारी चीजें। तो अब जैसे कुछ रूल और देख लेते हैं दोस्तों, कुछ रूल इनका सबका और देख लेते हैं और हम एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सुड का कुछ और रूल है दोस्तों, सुड का जो है कुछ और रूल है, हमने बताया दोस्तों कि मैं पूरा आपके लिए एनालिसिस करके रात रात भर 12-12 बजे तक जगता हूं आपके लिए, पूरा एनालिसिस करके कि आपको क्या दिया जाए जो कि आपके फायदे में रहे दोस्तों, आपको वो चीज पूछी जाए परीक्षा में, तो वो सारी चीजें जैसा कि हमने एक दिन दिखाया भी था दोस्तों कि मैं कितनी किताबों से एनालिसिस करता हूं, मैंने किताब को भी दिखाया था, तो वही चीज दोस्तों कि आपके लिए मैं लगा हूं, तो इसलिए आपको चाहिए दोस्तों कि आप पढ़ते रहिए। जैसे देखिए दोस्तों, अगर वर्ब और प्लस चाहिए था की अवस्था में, मैंने लिखा है दोस्तों वर्ब प्लस चाहिए था की अवस्था में, तो चलिए आप भी दोस्तों लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, ऐसे बीचों बीच में लिखिएगा वर्ब प्लस चाहिए था की अवस्था में, वर्ब प्लस चाहिए था की अवस्था में, अगर दोस्तों मिल जाए वर्ब प्लस चाहिए था तो उसके लिए क्या करते हैं सुनिएगा, उसके लिए दोस्तों शुड हैव, शुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों वाक्य में मिल जाए वर्ब, कोई क्रिया रहे दोस्तों, और चाहिए था मिल जाए, जैसे तुम्हें अपने बड़े भाई को आमंत्रित करना चाहिए था, क्या बताया दोस्तों, तुम्हें अपने बड़े भाई को आमंत्रित करना चाहिए था, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था, तुम्हें एक किताब लिखना चाहिए था, तुम्हें उसे मारना चाहिए था। तो दोस्तों जब अंत में चाहिए था मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों, चाहिए था मिल जाए, तो वहां पर शुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या बताया दोस्तों, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात दोस्तों जैसे जैसे तुम्हें अपने भाई को आमंत्रित करना चाहिए था, तुम्हें अपने भाई को आमंत्रित करना चाहिए था, तो अर्थात देख रहे हैं दोस्तों चाहिए था मिल गया, तो हमने कहा कि अगर चाहिए था मिल जाएगा तो वहां पर दोस्तों शुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यू माने तुम्हें, अब दोस्तों करना चाहिए था अर्थात चाहिए था, अर्थात यू शुड हैव, अब क्या करना चाहिए था दोस्तों, आमंत्रित करना चाहिए था, आमंत्रित करना चाहिए था दोस्तों, अर्थात इनवाइट करना चाहिए था, इनवाइट का मतलब होता है दोस्तों आमंत्रित करना, तो वही चीज यू शुड हैव और इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड दोस्तों
तो यू शुड हैव इनवाइटेड अपने भाई को अर्थात योर ब्रदर। अर्थात दोस्तों यू शुड हैव इनवाइटेड योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई को आमंत्रित करना चाहिए था। किसी को कहीं कोई दिक्कत है बताइए, कमेंट करिए दोस्तों, किसी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करिए। पीकू आप कमेंट करिए, बहुत दिन से आप नहीं दिख रहे हैं। गौरव आप भी कमेंट करिए, देखता हूँ दोस्तों। गौरव भी हमारे जो है डेली के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में हैं। चंदन जो है आप भी कमेंट करिए, सुबह वाली क्लास आप चंदन देखते हैं लेकिन आप बाद वाली क्लास नहीं देखते हैं। किशन सोनू आप भी जो है नहीं मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तो आप सब जो है शाम वाली क्लास में जरूर आया कीजिए। अगर वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, वाई ग्रुप की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाली क्लास और शाम को 7 बजे वाली क्लास, उसके बाद आरकेवाई सर की 8 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका इस बार एग्जाम है उनके लिए 8 बजे वाली क्लास न देखे तब भी चलेगा, देखेंगे तो कोई नुकसान तो करेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि अब ये तो कोई दवा तो है नहीं कि जो इन्फेक्शन कर जाएगी दोस्तों। ज्ञान एक ऐसी चीज है दोस्तों, जितना आप चाहें उतना ले लीजिए, जितना चाहिए मौके का फायदा उठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते होंगे यही चीज दोस्तों 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए दे करके सब पढ़ते हैं और ऐसे बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों वही चीज अगर फ्री में मिल रही है तो नहीं पढ़ना चाहते। क्यों दोस्तों पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि फ्री की चीज की कीमत नहीं होती, बस सेम टू सेम वही है दोस्तों। अगर अभी यही पैसे की मैं कर देता, अगर अभी मैं यही पेड कोर्स कर देता, जो ग्रुप में जुड़े हैं सभी ने स्टार्टिंग में जब मैसेज किया था मैंने, तो सभी ने यही कहा था कि सर पेड क्लास है, पेड क्लास है। अगर मैं कह देता कि हाँ पेड क्लास है, चाहे मैं 50 रुपए सबसे कह देता, तब भी दोस्तों सब डेली आते। लेकिन बस वही चीज कि मैंने फ्री कर दिया, अब एक बार फ्री कर दिया दोस्तों तो पेड करना थोड़ा दिक्कत रहती है कि बच्चे कहेंगे कि देखिए बच्चे आने लगे तो सर जी पेड कर दिए। तो इसीलिए दोस्तों नहीं, अगली बैच जो हमारी आएगी वो पेड ही रहेगी, वो फ्री में नहीं रहेगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे, अगले वर्ड पर देखते हैं। जैसे हमें उसकी कविताएं पढ़नी चाहिए थी, हमें उनकी कविता पढ़नी चाहिए थी। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं यहां पे, देख रहे हैं दोस्तों पढ़नी चाहिए थी। क्या देख रहे हैं दोस्तों? पढ़नी चाहिए थी। तो हमने कहा कि अगर आपको चाहिए था या चाहिए थी या चाहिए था के अवस्था मिल जाए दोस्तों, तो वहां पर शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात वी माने हमें, चाहिए थे दोस्तों तो शुड हैव, वी शुड हैव, हमें चाहिए थी पढ़ना, रीड था। तीनों फॉर्म दोस्तों अंग्रेजी यही है। और उसके बाद दोस्तों वी शुड हैव रीड उनकी कविता दोस्तों, अर्थात डियर पोएट्री। ठीक, हमें उनकी कविता पढ़नी चाहिए थी दोस्तों, तो ये है उसका अनुवाद। अर्थात बताइए समझ में आए कि नहीं दोस्तों? कमेंट करिए, एक बार शेयर करिए, और देख रहा हूं दोस्तों लाइक नहीं किए आप लोग, लाइक करिए। ऐसे कैसे काम चला रहा, जो लोग देख रहे हैं कम से कम उनको तो लाइक करना चाहिए दोस्तों। जो लोग नहीं देख रहे कोई बात नहीं, ना देखें। जो पढ़ेगा दोस्तों वो जरूर क्वालिफाई करेगा। चलिए मैं आपके लिए एक शायरी और सुनाता हूं दोस्तों, आपके लिए मैं एक शायरी और सुनाता हूं, देखता हूं कहां पर है। हाँ चलिए दोस्तों हो गया। झूठ से सच से, सुनिएगा दोस्तों, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें, बात मन की कहें या वतन की कहें, सुनिए दोस्तों, बात मन की कहें या वतन की कहें, बस आप अपनी आवाज भारी रखिए, बस आप अपनी आवाज भारी रखिए। मतलब बात मन की कहें या वतन की कहें, बस अपनी आवाज भारी रखिए। मतलब दोस्तों अगर आप अपने विषय में किसी से बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर कोई डिबेट चल रही है उसमें अगर आपकी आवाज तेज है दोस्तों तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। अर्थात जो ग्रुप डिस्कशन होता है दोस्तों उसमें जो बच्चा फ्लुएंटली और तेजी से तेज आवाज में बोलता रहता है दोस्तों उसी की आवाज सुनी जाती है। तो वही चीज कह रहा है दोस्तों कि बात मन की कहें या वतन की,
बस अपनी आवाज भारी रखें। अगर भारत जो है चाइना से डर जाता, अपनी आवाज स्लो कर लेता, तो क्या चाइना शांत बैठ पाता, पाकिस्तान साथ साथ शांत बैठ पाता दोस्तों? तो अर्थात कभी भी दुश्मन के सामने दोस्तों धीमा नहीं पड़ना चाहिए। भले आपकी औकात कुछ ना हो, लेकिन दोस्तों अपनी आवाज में इतना दम रखिए कि दुश्मन सुनकर जो डर जाए, अरे ये तो बहुत ताकतवर है। तो वही चीज दोस्तों, वही चीज हमने अभी जो चार लाइन पढ़ी उसका मतलब आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। इसी के आगे दोस्तों सुड का कुछ और भी प्रयोग है, देखते हैं सुड का कुछ और भी प्रयोग है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं बताने चल रहा हूं दोस्तों, इसमें से दो या तीन क्वेश्चन बनता है। सुड का प्रयोग तीन जगह पर किया जाता है, सुड का प्रयोग दोस्तों तीन जगह पर किया जाता है, और वो तीन जगह पर कहां कहां किया जाता है सुनिए दोस्तों। सुड का प्रयोग पहली चीज तो शैल के पास्ट में किया जाता है। क्या चीज? शैल के पास्ट में। मतलब दोस्तों हमने संडे स्पेशल में एक क्लास चलाई थी मैराथन दोस्तों, जिसमें हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, एफिक्स और क्वेश्चन टैग पढ़ा था। तो जो बच्चे वो क्लास नहीं देखे हैं, वो क्लास तो कंपलसरी है, जरूर देख लीजिएगा। उसमें से तीन से चार नंबर आपको मिलना है। वही चीज है दोस्तों शैल के पास्ट में। मतलब अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लास दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लास अगर पास्ट टेंस में है, तो आपकी कोऑर्डिनेट क्लास भी जो है प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट टेंस में है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट टेंस में है, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में हो जाती है। तो वही दोस्तों अगर सैल लिखा रहेगा तो शुड कर दिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज दोस्तों सैल का प्रयोग कहां पर होता है सुनिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में इफ के स्थान पर। जी हां दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस में इफ के स्थान पर। अभी आप अगर ना समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप कंडीशनल सेंटेंस ना समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस एक अलग टॉपिक है दोस्तों, उसमें आपको बताया जाएगा। जैसे कंडीशन रहती है दोस्तों, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, यदि तुम बाजार जाओगे तो तुम्हें 200 रुपए जरूर मिलेंगे, या फिर दोस्तों यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, या दोस्तों यदि मैं राजा होता तो एक सोने का महल बनवाता। तो दोस्तों ये सब कंडीशनल सेंटेंस है, इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो अर्थात अगर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सब अच्छी अच्छी क्लासेस है दोस्तों, ये सब अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, और ये सब गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश है दोस्तों, गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश है। अर्थात ये आपको मिलेगी दोस्तों, अगर आप हमारे साथ बन गए हैं, पढ़ लीजिए दोस्तों पूरा। जब मैं कहूंगा कि आज आपकी इंग्लिश खत्म हो गई दोस्तों, उसके बाद आप सोचिएगा, आप पूछिएगा, आप बताइएगा कि सर जी आपने ये नहीं पढ़ाया। कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आप ये कहें दोस्तों कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, हर चीज आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे एक और, लेट के साथ, लेट के साथ। तो दोस्तों सुड का प्रयोग तीन जगह पर किया जाता है, जो हमने अभी पीछे बताया वहां किया जाता है, और अगला रूल देखेंगे दोस्तों सुड का प्रयोग इस तीन जगह पर किया जाता है, और इस तीन जगह पर दोस्तों कैसे किया जाता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे अपने अगले वीडियो में दोस्तों, इसकी चर्चा हम कल अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो अतः दोस्तों आप अपनी नोट्स बनाए चलिए साथ हमारे, ठीक, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलिए दोस्तों आगे आज हम देखते हैं OWS में कि आपके लिए क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों OWS देखते हैं, और हमने कहा दोस्तों कि आप जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो उनको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों। जैसे जब मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, तो आप रफ लेकर बैठिए, रफ में आप इकट्ठा लिख लीजिए, उसके बाद अपनी नोट्स में जहां ग्रामर लिखते हो वहां ग्रामर लिख लीजिए, और वोकैब जहां लिखते हो दोस्तों अलग से वहां वोकैब लिख लीजिए। तो हर पेज डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, पेज डिवाइड कर दीजिए। अर्थात जैसे इसमें लिख लिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इसमें पूरा आइडियम्स फ्रेजेस रहेगा आपका, दो पन्ना छोड़ दीजिए, तीन पन्ना छोड़ दीजिए, जितना मन हो आपका। फिर लिख दीजिए दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख लीजिए दोस्तों। तो ये जब इस तरह बनाएंगे दोस्तों तो इकट्ठा रहेगा, अर्थात एग्जाम टाइम में केवल आपको एक नजर देखनी रहेगी और पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों परेशान मत होइएगा, सारी चीजें कराई जाएंगी, सारी चीजें कराई जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस चलिए दोस्तों आगे चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, और आज की वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है देखिएगा दोस्तों। आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, पहला फ्लोरा। जी हां दोस्तों, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फ्लोरा।
और देखिए दोस्तों, फ्लोरा मैंने एक दिन और बताया था, फ्लोरा मैंने एक दिन और बताया था, किसी को पता हो तो कमेंट करिए। फ्लोरा मैंने एक दिन और बताया था दोस्तों, किसी को पता हो तो कमेंट करिए। तो देख रहा हूं दोस्तों अभी तक कमेंट नहीं आया, चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों। फ्लोरा का मतलब होता है दोस्तों वनस्पति। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरा का मतलब होता है दोस्तों वनस्पति, ठीक। अर्थात दोस्तों ऑल द प्लांट्स दैट लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी निश्चित स्थान पर दोस्तों जो पेड़ पौधे रहते हैं उसे ही वनस्पति कहते हैं, अर्थात फ्लोरा कहते हैं, ठीक। क्या चीज दोस्तों, क्या बताया हमने, ऑल द प्लांट्स दैट लिव एट ए पर्टिकुलर एरिया। जी हाँ दोस्तों, अर्थात दोस्तों ऑल द प्लांट्स मतलब सभी पौधे, दैट माने जो, लिव माने रहते हो, इन ए पर्टिकुलर एरिया किसी निश्चित स्थान में दोस्तों, उसे कहते हैं फ्लोरा या फिर वनस्पति। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दोस्तों जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं उसको आप जरूर पढ़िए दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम दमदार मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा। और सिलेक्शन इस बार जरूर लेंगे, जिसका इस बार एग्जाम है दोस्तों इंग्लिश में 20 में से दोस्तों 16 प्लस अर्थात 17 या 18 नंबर में दिलाऊंगा दोस्तों, 20 में से 16 प्लस दिलाऊंगा। वहीं दोस्तों रागा में अगर आप मेरी क्लास पूरी डेली लेते हैं, अगर रागा की क्लास डेली लेंगे दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि 12 से 13 नंबर, 13 नंबर आपका रीजनिंग का आता है दोस्तों, वो 13 नंबर मैं पूरा क्लियर करा दूंगा। और वहीं जीएस का जो है किसी दिन मैं लेके आऊंगा, अभी पीडीएफ बनाने में लगा हूं दोस्तों कि जीएस का, देखिए मैंने कहा दोस्तों कि आपके लिए पूरी चीजें तैयार की जाती हैं, विवेक जी भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, अनुज जी भी लगे हुए हैं, तो तीनों लोग मिल करके दोस्तों आपके लिए पूरा मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों आपकी जीएस की बन रही है, अर्थात जीएस का आपको दो या तीन क्लास आपको दी जाएगी दोस्तों, और वो क्लास केवल प्राइवेट ही रहेगी, अर्थात दोस्तों आप लाइव देखेंगे, उसके बाद वो कभी नहीं ओपन होगी, क्योंकि दोस्तों वो स्पेशल क्लास है, वो क्लास सिर्फ आप ऑफलाइन कोचिंग में मैं देता हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं दूंगा, आप हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो भी 10-12 बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, इनको सबको वो क्लास मिलेगी दोस्तों, बस आप लोग शेयर करते रहा करिए फेसबुक पर, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए दोस्तों, कल मैंने ग्रुप पर भेजा था इंस्टाग्राम की लिंक, आप सब लोग जो है वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, दूसरा वर्ड क्या कह रहा है देखिएगा, दूसरा वर्ड लिखा है दोस्तों, दूसरा वर्ड लिखा है बजटिंग, BUDGETING, बजटिंग। अब देखिए दोस्तों बजट से बना है दोस्तों बजटिंग, तो बजट मतलब होता है दोस्तों खर्च करना या खर्च, अब बजटिंग का मतलब दोस्तों वही चीज, सही तरीके से खर्च करना। जी हाँ दोस्तों, सही तरीके से खर्च करना। देखिए एक होता है स्प्लर्ज, splurge स्प्लर्ज होता है दोस्तों, और स्प्लर्ज मतलब होता है दोस्तों बेतहाशा पैसे खर्च करना, अर्थात बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, कि जहां पर 10 रुपए काम हो वहां 100 रुपए फेंका जाए, तो वही बेतहाशा पैसे खर्च करना वो है दोस्तों। लेकिन ये है बजटिंग, अर्थात सही तरीके से खर्च करना, एक नियम बनाकर खर्च करना, अर्थात द प्रोसेस बाई विच ए पर्सन आर एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कि अपने पैसे को एक नियम बनाकर खर्च करना, ठीक। स्प्लर्ज योर मनी विथ ए रूल, कि मतलब एक नियम बनाकर अपने पैसे खर्च करना, वही कहलाता है क्या, बजटिंग कहलाता है। जैसे आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है हिस्ट्रोनिक, HISTRONIC, हिस्ट्रॉनिक। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्रियोनिक है दोस्तों, तो हिस्ट्रियोनिक है दोस्तों। अब देखिए हिस्ट्री से बना हुआ है, हिस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों इतिहास, लेकिन वही हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है दोस्तों नाटकीय, क्या होता है दोस्तों नाटकीय, तो हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है दोस्तों नाटकीय, या फिर दोस्तों अगर हम इसकी इंग्लिश बताएं तो एक्सक्लूसिवली या ड्रामेटिक इन करेक्टर, क्या दोस्तों ड्रामेटिक इन करेक्टर,
तो ड्रामेटिक इन ए कैरेक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि ड्रामेटिक इन ए कैरेक्टर का मतलब होता है दोस्तों ड्रामा, नाटक करना इन ए कैरेक्टर, चरित्र मतलब कि नाटक के चरित्र में आ जाना, वही चीज है दोस्तों हिस्ट्रियोनिक अर्थात दोस्तों। और चौथा देखेंगे दोस्तों, वही चौथा देखेंगे तो है होल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, होल्डिंग एच ओ ए आर डी आई एन जी, होल्डिंग। तो दोस्तों होल्डिंग का मतलब क्या होता है, कहेंगे ना, कहेंगे कि होल्डिंग बटोरने में लगे हुए हैं अर्थात जमाखोरी में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, या फिर दोस्तों क्या हुआ, होल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों जमाखोरी। जी हाँ दोस्तों, होल्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, जमा करने में लगे हुए हैं, बटोरने में लगे हुए हैं, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो वही चीज है दोस्तों होल्डिंग। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि बना किससे है, होल्डी से बना है, एच ओ आर डी ई, होल्डी से बना है दोस्तों। और होल्डी का मतलब होता है दोस्तों झुंड। जी हाँ दोस्तों, होल्डी का मतलब होता है झुंड, और ये इसी से बना है दोस्तों होल्डिंग, और होल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों जमाखोरी करना। तो यही चीज है अर्थात टू सीक्रेटली स्टोर, क्या है दोस्तों, टू सीक्रेटली स्टोर, लिख लीजिएगा टू सीक्रेटली स्टोर, गुप्त तरीके से इकट्ठा करना ताकि जब नोटबंदी आए तो उसको फेंक देना। तो वही चीज है दोस्तों, क्या चीज हमने बताया, टू सीक्रेटली स्टोर। तो ये था दोस्तों OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं दोस्तों आईपी पर, आईपी पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस आज के क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के आईपी पर चलते हैं दोस्तों, और देख रहा हूं दोस्तों बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, एक बार आप शेयर करिए तब आईपी पढ़ाता हूं दोस्तों, एक बार आप शेयर करिए तब आईपी पढ़ाता हूं, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा पक्का, एक बार शेयर करिए दोस्तों तब आईपी पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आज संडे है, आज आपकी क्लास वैसे भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया कि कोई बात नहीं, बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चों को हर चीज मिलता रहे दोस्तों। तो आप शेयर नहीं करेंगे दोस्तों, 7 बच्चों के लिए 8 बच्चों के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, शेयर करिए दोस्तों, शेयर करिए तभी पढ़ाऊंगा, नहीं नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सेटल ए स्कोर, सेटल ए स्कोर। तो देखिए दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, सेटल मतलब बराबर करना, ए स्कोर मतलब हिसाब, सेटल ए स्कोर का मतलब होता है दोस्तों हिसाब बराबर करना, सेटल ए स्कोर का मतलब होता है दोस्तों हिसाब बराबर करना, या फिर दोस्तों सेटल ए स्कोर अर्थात हिसाब बराबर करना। तो इंग्लिश करेंगे दोस्तों, इंग्लिश करेंगे तो टेक रिवेंज ऑन समथिंग फॉर समथिंग, टेक रिवेंज, देख लीजिए लिख दे रहा हूं दोस्तों, टेक रिवेंज फॉर समवन फॉर समथिंग, टेक रिवेंज फॉर समवन फॉर समथिंग, ऑन समवन है, टेक रिवेंज ऑन समवन फॉर समथिंग मतलब हिसाब बराबर करना, हिसाब बराबर करना, समवन फॉर समथिंग मतलब समवन मतलब किसी से, और फॉर समथिंग मतलब किसी चीज के लिए कुछ करना अर्थात दोस्तों हिसाब बराबर करना, या फिर दोस्तों सेटल ए स्कोर करना। ठीक, वही देखिए दोस्तों इन द डॉक, इन द डॉक, तो इन द डॉक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इन द डॉक का मतलब क्या हुआ, इन द डॉक का मतलब हुआ दोस्तों मुकदमा चलाना। जी हाँ दोस्तों, मुकदमा चलाना, इन द डॉक का मतलब हुआ दोस्तों मुकदमा चलाना, मुकदमा चलाना, या फिर दोस्तों इन द डॉक, एक बार लाइक करिए दोस्तों, लाइक बहुत कम है, इन द डॉक का मतलब होता है दोस्तों मुकदमा चलाना, या फिर ऑन ट्रायल इन ए कोर्ट, ऑन ट्रायल इन ए कोर्ट, ऑन ट्रायल, देख लीजिए ट्रायल की स्पेलिंग दोस्तों टी आर आई ए एल, इन ए कोर्ट दोस्तों अर्थात सी ओ यू आर टी है, कोर्ट मतलब अदालत होता है दोस्तों, सी ओ यू आर टी, ऑन ट्रायल इन ए कोर्ट, ऑन ट्रायल मतलब मुकदमा चलाना, इन ए कोर्ट मतलब कोर्ट में, ऑन ट्रायल इन ए कोर्ट मतलब कोर्ट में मुकदमा चलाना। जी हाँ दोस्तों, वही आखिरी वर्ड देखें दोस्तों, आखिरी वर्ड देखें तो मदर वीट। जी हाँ दोस्तों, मदर मतलब माँ ही, वीट अर्थात दोस्तों माँ को आपकी छोटी छोटी बातों का ज्ञान रहता है, तो मदर वीट माने होता है दोस्तों सहज ज्ञान,
जी हाँ दोस्तों, मदर विट का मतलब होता है दोस्तों सहज ज्ञान, या फिर दोस्तों नेचुरल एबिलिटी टू कोप विथ, ठीक, एवरीडे मैटर्स, नेचुरल एबिलिटी टू कोप विथ, ठीक, टू कोप विथ एवरीडे मैटर्स, देखिए दोस्तों इसमें एक फ्रेजल वर्ब है जिसका नाम है दोस्तों कोप विथ, और कोप विथ का मतलब होता है दोस्तों निपटना। जी हाँ दोस्तों, कोप विथ का मतलब होता है दोस्तों निपटना, इसको कहीं लिख लीजिएगा दोस्तों। कोप के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है, और कोप विथ का मतलब होता है दोस्तों निपटना, अर्थात नेचुरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता टू कोप विथ, निपटने के लिए एवरीडे मैटर, प्रत्येक दिन के मामलों से, अर्थात जो घर के मम्मी लोग होती हैं दोस्तों, वो रोज उनको नया नया तरीका, जैसे बच्चे छोटे रहते हैं तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं अपनी माँ से, तो उनकी माँ जो है सभी प्रश्नों के जवाब देती है। जैसे आप सुने होंगे एडिशन वाला चैप्टर अगर पढ़े होंगे क्लास टेंथ में दोस्तों, तो उसमें था कि एडिशन फाउंड हिज मदर एज ए बेस्ट टीचर, एडिशन ने अपनी माँ को एक अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया। तो वही चीज है दोस्तों, अर्थात जो मदर बीट अर्थात सहज ज्ञान, छोटी छोटी बातों से स्वयं ही निपट लेना दोस्तों, यही आपका कहलाता है मदर विट। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, अगर मजा आई हो तो लाइक करिए दोस्तों, और जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। और मैं एक बार फिर से कहता हूं दोस्तों, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, बस आप अपनी तकरीर जारी रखें, बात मन की कहें या वतन की कहें, बस आप अपनी आवाज भारी रखें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।